नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ का सदैव पूरितो निधि शरणम के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, देखो। तो अभ्यास प्रश्न प्रथम प्रश्न था कि पाठ गीतम सस्वरम गायन कुरु, ठीक है। तो पाठ में जो देर का तक गीत उसको सस्वर आपने पहले हमने गाया था, आपको भी याद करना। अगला दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखन, नीचे जो प्रश्न दे रहे हैं उनके उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है, स्वकीय साधनं किं भवति, अपने स्वयं का साधन क्या होता है, एक पद में बलम, स्वकीय साधनं बलम, बलम भवति। पति के स्मा प्रहा, रास्ते में क्या हुआ, सामान्य क्या थे उनके लिए, तो पत्थर थे पाषाण। पत्थर पाषाण पत्थर थे उनके लिए। फिर अगला है, सततम किम करण्यम, सततम धैर्य करण्यम, स्मरणीयम सत्तम से रचयिता कः, इस गीत के रचनाकार कौन है, तो कौन है इसमें, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचनाकार थे, वर्णेकर। सर कितने से कवि बने थे, तो भास्कर श्रेष्ठ चित्र भास्कर वर्णेकर ये कैसे कवि थे, राष्ट्रवादी, कैसे थे, राष्ट्रवादी कवि थे। इस प्रकार से एक पद में इनका उत्तर देना और अपने कॉपी में सुधर। अगला तृतीय प्रश्न है, मनुष्य के उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मनुष्य के निधेहि विदेहि जयहि देहि बज सल कुरु, ये शब्द देने गए मनुष्य। अब इनको खाली स्थान में रखना है, ठीक है। जैसे त्वाम पुरतः शरणं निधेहि, पहले क्या आएगा, निधेहि, तुम अपने हमेशा आगे रहो। तम विद्यालय क्या जाएगा, सल, तम विद्यालय सल, इसमें राष्ट्र अनुरिक्तम विदेही जाएगा, राष्ट्र अनुरिक्तम विदेही, गीत पढ़ेगा राष्ट्र अनुरिक्तम विदेही। मयम जलम मुझे जल ये होते ही अगला है, हे मुंडा जी जय ही धना गम कृष्णाम, फिर है गोविंदम बज गोविंदम, बज गोविंद बज कर सततम धैर्य स्मरणम, हमेशा स्मरण करो है ना, लक्ष्य का हमेशा स्मरण करो, गुरु इष्ट का गुरु हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न हो, फिर अगला चतुर्थ कह रहे हैं कि उच्च
उचित और अनुचित, उचित है इसको आम आम, अनुचित है इसको उत्तर लिखना। पहला है उदाहरण देगा पूर्णतः सर्वनाम विधेय, हमेशा अपने समय प्रथम है जो करें आगे बढ़ा क्या है सही है हाँ सत्य है निज निकेतन गिरीश करे ना निवास है वो प्रधान सत्य है स्वामी ना स्वर्ग बल बाधक होती अपने स्नेह का बल है वो बाधक होता है नहीं होता है ये असत्य है असत्य का कहना है ना पति मिश्रा परिता का क्या होता है तो दिखेगा सत्य
जब ए और जैसे कि ए का प्रयोग भवान स्थानम कृतवान किम भवान स्थानम कृतवान ये प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि निश्चित रूप से आपने स्नान कर लिया होगा आगे प्रश्न है षष्ठ प्रश्न विलोम पदानि योजे विलोम पद है उनको विधान है जैसे पूर्वतः पूर्वतः का मतलब सामने उसका आएगा विलोम पद आएगा पृष्ठतः इच्छे स्वकीय अपना स्वयं का पर क्या दूसरे का विधि डर साहस अनुवृत्ति में विरक्ति में गमन जाना आगमन आना इस प्रकार से लोगों का विधान सामने विधान उसके दे रहे हैं विधान में स्वास्थ्य ये सामने के प्रकार दे रहे हैं फिर सब प्रश्न है तब भागे सकता लटकार दे दिया लोट लोट निर्माण लट लकार देता है ना जैसा वजन जैसा पुरुष देता है उसी में इसको उस लकार में परिवर्तन जब पटती लट लकार देता है तो लोट लकार के रूप में क्या लगेगा पटकू विधिलिंग में क्या बनेगा पटे पटेता बनता है ये नहीं बनेगा पटे इसका जैसा लकार है वजन है जैसे टेनेसी मध्य रूप से वचन है लोट लकार का मध्य रूप से वचन क्या आएगा पेड़ और विधिलिंग का क्या आएगा विले विले मध्य रूप से लोट लकार जब खादन्ति लट लकार का मतलब दूसरो वचन है तो लोट लकार का दूसरो वचन क्या बनेगा खादन विधि लिंग में कौन से क्या बनेगा कार्य कार्य से विभावी लट प्रकार उत्तम रूप से वचन है लोट प्रकार विभावी उत्तम रूप से वचन बनेगा विभावी विभावी और इसी प्रकार विधि लिंग में बहुवचन करेंगे तो क्या बनेगा विधेयम विधेयम बनेगा फिर है असतः लटकार प्रथम द्विवचन है इसलिए लटकार का प्रथम द्विवचन क्या बनेगा असताम और विधि लिंग द्विवचन क्या बनेंगे असेताम विधि लिंग में जाएंगे प्रथम द्विवचन नियाम उत्तम पुरुष का वचन है
रोड लगा रहा है तो बहुत संख्या म्याम विषय नहीं लगे रोड लगा रहा है इसलिए विधि लिंग में नियम इस प्रकार से इसको लट लकार से रोड और विधि लिंग में निर्माण करना है। अगला इसी का आभार है कोष्टक में दे रहे विभक्ति के अनुसार इसको परिवर्तन करना है। जैसे गिरी शिखर उसको लिखना है सबके विभक्ति एक उसने गिरी शिखर है क्या बनेगा गिरी शिखर है। पथी सबके विभक्ति एक वचन में बनाना है पथी बन जाएगा। इसको है राष्ट्र स्तुति विभक्ति एक उसने राष्ट्र है। पाठा सप्तमी विभक्ति ये वचने पाठाणे। ज्ञान द्वितीय विभक्ति बहुवचन बना ज्ञानानि। शक्ति प्रथमा विभक्ति ये वचने शक्ति। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन बना पशु। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या प्रश्न शब्द आप गृह कार्य में काम करना है बाकी आप बढ़िया देखिए। Thank you.